तो मैं हूँ देविंदर, आप देख रहे थे इंडियन रेल ग्रुप। दोस्तों मैं लिख लो इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए आज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़ तक। ट्रेन नंबर होगा 15669 नागालैंड एक्सप्रेस। मिलेंगे दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से खुलने की रात को 8:45 पे। नेक्स्ट डे हमें पहुँचाती है डिब्रूगढ़ सुबह मॉर्निंग 10:20 पे। टोटल डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन 558 किलोमीटर, जिसमें कवर करने में टाइम लेती है 13 घंटे 55 मिनट। दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट हो रही है ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। सेवन किलोमीटर की जर्नी तय करके अब हम आ चुके हैं जागी रोड, जिसका कोड है GID। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है, 5 मिनट डिले आई है दोस्तों ट्रेन यहाँ पे। ये स्टेशन दोस्तों आसाम में पड़ता है। देर हो गई ट्रेन चली नहीं है जागी रोड से, देखते हैं अभी कितनी देर में डिपार्ट होगी। दोस्तों 30 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है दोस्तों ट्रेन जागी रोड से। देखिए आसाम का छोटा सा स्टेशन है दोस्तों ये, बिल्कुल next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, 387 किलोमीटर की जर्नी तय करके अब हम आ चुके हैं जोरहाट, जिसका कोड है JTTN। यहाँ पे ट्रेन 3 मिनट बिफोर पहुंची है, 5 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। ये स्टेशन दोस्तों आस्था में पड़ता है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है। यहाँ पे 4 ट्रेन आके होल्ड करती है दोस्तों पर डे। मरियानी जंक्शन अराइवल। तो हम आ चुके हैं 404 किलोमीटर की दूरी तय करके मरियानी जंक्शन, जिसका कोड है MAXN, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है। यहाँ पे ट्रेन 4 मिनट डिले आई है दोस्तों, 10 मिनट का स्टॉपेज है। ये स्टेशन दोस्तों आसाम में पड़ता है। दोस्तों 10 मिनट का स्टॉपेज इसलिए है क्योंकि जो हमारा इंजन है वो रिवर्सल डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है। तो आपको इसी स्टेशन पे खाने पीने के लिए मिलेगा, बाकी किसी स्टेशन पे आपको
ब्रेकफास्ट वगैरह स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी। जो भी स्टेशन आए थे किसी पे भी आपको स्नैक्स वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कोई भी प्रोवाइड नहीं, छोटे छोटे स्टेशन थे। मरियानी जंक्शन पे ही आपको खाने पीने की वैरायटी मिलेगी, जैसे पूड़ी सब्जी हो गई, पराठे हो गए, तो ये सब चीज़ आपको मरियानी जंक्शन पे ही मिलेंगे। बाकी किसी स्टेशन पे आपको ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। तो इस ट्रेन में जर्नी करें तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आपको ब्रेकफास्ट के लिए मॉर्निंग में मरियानी जंक्शन पे ही सब कुछ मिल सकता है, बाकी किसी स्टेशन पे आपको नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट वगैरह। के हैं 458 किलोमीटर की दूरी तय करके सेलम गुरी, जिसका कोड है SLGR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है। यहाँ पे ट्रेन 42 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। ये स्टेशन आसाम में पड़ता है दोस्तों, डिबोड है स्टेशन पे भी दोस्तों, और आपको खाने पीने के लिए स्टेशन पे भी आपको सब चीज़ मिलेगी दोस्तों, स्नैक्स वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए। दोस्तों सिलीगुड़ी से 55 मिनट डिले डिपार्ट हो रही है ट्रेन, ये सिंगल लाइन है इसी वजह से यहाँ पर ट्रेन लेट हो रही है दोस्तों। अराइवल मोरनहाट, आज के 511 किलोमीटर की दूरी करके मोरनहाट, जिसका कोड है MRHT, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 है। यहाँ पे ट्रेन 26 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों। ये स्टेशन दोस्तों आसाम में पड़ता है, काफ़ी पैसेंजर ने डिबोट किया है यहाँ पे दोस्तों, 90% ट्रेन खाली हो चुकी है दोस्तों यहाँ से। अराइवल डिब्रूगढ़, तो हम पहुंच चुके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। 40 मिनट देरी से पहुंचिए दोस्तों। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत बेकार रहा, ना तो इसमें वॉशरूम में पानी अवेलेबल रहता है और ना कोई अंदर की साफ़ सफाई है ट्रेन के अंदर, हाउसकीपिंग स्टाफ ने कोई साफ़ सफाई नहीं की। और दोस्तों
एंट्री तो है ही नहीं इसमें, तो आपको खाने के लिए स्टेशन पे ही अवेलेबल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस जर्नी में यही, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मैं मिलता आपको नेक्स्ट जर्नी में, ओके बाय दोस्तों।